हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, जो ऑब्जेक्टिव होगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी आर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2x3, 4x3, 2x4 रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेंड। इसमें किसका प्रोडक्ट संभव है उसको आपको टिक लगाना है, उसको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देखिए, दो मैट्रिक्स का गुणा होने के लिए यह एसेंशियल है कि पहले के कॉलम की संख्या दूसरे के रो की संख्या के बराबर होगा तो गुणा होगा, ना तो गुणा नहीं होगा। ए आपका मैट्रिक्स है 2x3 ऑर्डर का, बी मैट्रिक्स है आपका 4x3 ऑर्डर का और सी मैट्रिक्स है आपका 2x4 ऑर्डर का। तो देखिए, पहला कहता है कि ए बी संभव है, तो देखिए इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए ए में बी से गुना संभव नहीं है। अब चलिए दूसरा देखिए, बी ए संभव है कि नहीं, तो इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर है तो नहीं है, तो यहाँ बी ए भी संभव नहीं है। अब चलिए सी ए पर विचार कीजिए, तो सी के कॉलम की संख्या ए के रो की संख्या के बराबर है क्या, तो नहीं है, तो यह भी संभव नहीं है। तब ऑप्शन हो गया डी, लेकिन देख लीजिए कि डी होगा कि नहीं। तो देखिए, इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर है तो सी में बी से गुना होगा आपका, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो गया। गुना का नियम है कि पहले के कॉलम की संख्या दूसरे के रो की संख्या के बराबर होगा तो गुना होगा, नहीं तो गुना नहीं होगा। तो आपने देख लिया कि यहाँ ये भी नहीं होगा, बी ए भी संभव नहीं है, सी ए भी संभव नहीं है, केवल क्या संभव है आपका सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू कहता है, द मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स इफ द वैल्यू ऑफ के इज। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स तब और तभी नहीं निकलेगा जब वह आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है, दूसरा किसी मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल रहा है, अर्थात कि इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है आपका सो जीरो के बराबर होगा। तो यह आपका हो गया जीरो के बराबर। अब इससे वैल्यू निकालिए, तो 3k-10=0, यह आपका आ गया 3k=10। तो आप समझ गए k का वैल्यू आ गया 10/3। आप समझ गए कि k का जब वैल्यू 10/3 होगा तो इस दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा। ही क्वेश्चन कर रहा था, द मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स इफ द वैल्यू ऑफ के इज, के का क्या वैल्यू हो कि इसका इनवर्स न निकले, यही आपका क्वेश्चन था। आप जानते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता है, केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है। जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा उसी का इनवर्स निकलेगा, दूसरे किसी का इनवर्स नहीं निकलेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, इफ ए मैट्रिक्स ए आपका दिया हुआ है 1, 2, 4, 2, तो पूछ रहा है देन डिटर्मिनेंट 2a=what। तो अब देखिए, सबसे पहले तो 2 से a मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2, 1, 2, 4, 2 यह आपका हो जाएगा। किसी रियल नंबर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो उसके प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 4। अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो डिटर्मिनेंट 2a, तो 2, 4, 8, 4 यह आपका हो गया 8-32, यह आपका हो गया -24। अब देखिए -24 आ गया और डिटर्मिनेंट a का वैल्यू देखिए, यह आपका आया 1, 2, 4, 2, यह आपका आ गया 2-8, दैट इज -6। तो आपने क्या देखा कि डिटर्मिनेंट ए के वैल्यू का 4 टाइम्स जो है
सो डिटरमिनेंट 2a है, तो ऑप्शन में आपका था पहला ऑप्शन था 2 डिटरमिनेंट a, दूसरा ऑप्शन था आपका 4 डिटरमिनेंट a, और तीसरा ऑप्शन था आपका डिटरमिनेंट a, और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो आप समझ गए ऑप्शन कौन होगा आपका, ऑप्शन बी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इफ ए बी सी आर इन ए पी देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, अब देखिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ए बी सी रहता तइयो, 2a 2b 2c है तइयो, 3a 3b 3c रहता तो भी, क्योंकि यहाँ दो रो आइडेंटिकल हो जाते हैं। अब इस बात को आपको हम बता दें, तो डेल्टा देखिए यह है आपका एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 2a, एक्स प्लस 2b और एक्स प्लस 2c। अब R1 में R2 और R2 में R3 को हम लोग घटाते हैं, तो यह आपका हो गया -1 -1 और ये आपका आ गया 2a-b, यह -1 -1 और 2b-c, और यह आपका ज्यों का त्यों x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 2c। यहाँ आपने क्या किया, तो R1 एरो R1-R2 एंड R2 एरो R2-R3। अब देखिए चूंकि ए बी सी ए पी में है, इसलिए जो ए माइनस बी का वैल्यू होगा वही बी माइनस सी का वैल्यू होगा। तो आप इस बात को लिख सकते हैं -1 -1 एक्स प्लस 4, -1 -1 और एक्स प्लस 5, और ये आपका आ गया 2a-b और एक्स प्लस 2c। अब देखिए चूंकि ए बी सी ए पी में है, इसलिए चूंकि ए बी सी बी इन ए पी ए पी में है, इसलिए ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों आपस में बराबर होगा। अब देखिए R1 और R2 आइडेंटिकल हो गया, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा आपका, 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, यह क्वेश्चन कहता है आपका इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन इसमें कौन आपका सही है। पहला डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0, दूसरा है आपका डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0 पहला, दूसरा है ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, और तीसरा ऑप्शन है आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो देखिए चूंकि a इज इक्वल टू 1 2 3 4, अब डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू होगा 1 2 3 4, यह आपका हो गया 4 -6 -2 नॉट इक्वल टू 0। तो पहला ऑप्शन नहीं हुआ, और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा उसका इनवर्स निकलेगा, अर्थात इसका आंसर होगा a इनवर्स एग्जिस्ट्स। केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है, दूसरा किसी मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता है, केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो। अब क्वेश्चन नंबर 6, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका कहता है इफ थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री देन डिटरमिनेंट कॉस थीटा साइन 5
और कॉस फाई इसका वैल्यू क्या होगा, यही आपका पूछ रहा है। इसका वैल्यू 1 होगा, वैल्यू 0 होगा, वैल्यू -1 होगा, वैल्यू अनडिफाइंड होगा। तो चलिए अब देखिए, यह है आपका कॉस थीटा साइन फाई और कॉस फाई। अब इसको सिंपलीफाई कीजिए, तो पहले इससे इसमें गुना, तब इससे इसमें गुना, बीच में माइनस, तो यह आपका हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई, और यह आपका फॉर्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब थीटा प्लस फाई के जगह पर आप बैठा दीजिए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपका होता है 0, तो ऑप्शन हो गया आपका बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। यह क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है इफ ए इज इक्वल टू अल्फा 0 1 1 और बी इज इक्वल टू 1 0 5 1, वेयर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए कहता है, तो देखिए इसका ऑप्शन कहता है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है -1, और तीसरा ऑप्शन है 4, और चौथा ऑप्शन है अल्फा हैज नो रियल वैल्यू, अल्फा हैज नो रियल वैल्यू। तो देखिए पहले आप निकालिए ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए, यह आपका हो गया अल्फा 0 1 1 इंटू अल्फा 0 1 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे उठाइए और ऐसे गुना कीजिए, यह आपका हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस 0, फिर आपका हो गया 0 प्लस 0, ऐसे ऐसे गुना कीजिए, अल्फा प्लस वन, फिर 0 प्लस 1, यह आपका हो गया अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 1 0 और 1। अब यह दिया हुआ है, नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, यह ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी दिया हुआ है। अब ए स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दीजिए और बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, यह ए स्क्वायर के जगह पर हो गया अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 1 0 और 1, और यह बी के बराबर है, माने 1 0 5 1। अब देखिए इससे अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1 पहला, दूसरा आ गया अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब अल्फा बराबर आ गया रूट अंडर 1, और इससे अल्फा बराबर आ गया 5 माइनस 1। अब अल्फा का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1, और अल्फा का वैल्यू आ गया 4। तो एक ही क्वेश्चन में अल्फा का 3-3 वैल्यू आ गया, एक ही क्वेश्चन में अल्फा का 3-3 वैल्यू आ गया, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए अल्फा है नो रियल वैल्यू, अल्फा का कोई रियल वैल्यू नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन आपका डी होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में अल्फा का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ गया, जो संभव नहीं है इन मैट्रिक्स, सो ऑप्शन आपका हो गया डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।